स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, आज हम लोग फिजिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे। तो डायमेंशन के दो तीन ही एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन ये होता है कि कोई इक्वेशन हमारा दिया रहता है तो हम डायमेंशन का यूज़ करके चेक करते हैं कोई इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन लिखा जाएगा, क्वेश्चन ले करके इस एप्लीकेशन को दिखाया जाएगा कि हाउ वी कैन यूज डायमेंशन टू प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, एन इक्वेशन इज गिवन एज 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, चेक दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट यूजिंग डायमेंशन। अभी जो हमारा इक्वेशन है इसमें m मास है, v वेलोसिटी है, m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h हमारा हाइट है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए, इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हम वी विल राइट दैट, हम लिखेंगे द गिवन दैट गिवन इक्वेशन द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन क्या है, 1/2 mv² इज इक्वल टू एम जी एच। ये हमारा गिवन इक्वेशन को लिख दिया। ये चेक करने के लिए कि कोई इक्वेशन हमारा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इसके लिए हम दोनों साइड के डायमेंशन, दोनों साइड में जो आने वाले फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका कंबाइंड डायमेंशन लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे डायमेंशन ऑफ, इसको इस डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब, डायमेंशन का मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशन हो गया डायमेंशन ऑफ क्या, 1/2 mv², डायमेंशन निकालते समय बताया जाता है कि कोई कांस्टेंट हो तो उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ 1/2 कांस्टेंट है इसलिए इसका डायमेंशन नहीं होगा। इस पे मास m का डायमेंशन इस स्क्वायर ब्रैकेट में m हो जाएगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन lt पे -1 होता है, और यहाँ स्क्वायर रहते हैं, हम स्क्वायर लिख देंगे। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ पे हो जाएगा m, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा l², और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -t^-2। तो ये हमारे इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आया। उसी तरह से यहाँ से लिखेंगे डायमेंशन ऑफ RHS। तो RHS में ये है MGH, लेफ्ट राइट हैंड साइड में MGH है। तो यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ MGH, M का डायमेंशन M, इस G का डायमेंशन lt^-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायमेंशन और G का एक ही होता है, और h एक तरह का लेंथ है, तो इसके लिए L लिखा जाएगा। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो mll² t^-2। तो हम यहाँ से इट इज़ वेरी इजी टू सी दैट जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का जो डायमेंशन निकाले वो सिमिलर आ रहा है, ml²t^-2 ml²t^-2। तो हम यहाँ से लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, और ये डायमेंशन जब इक्वल हो गया तो हम यहां से लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इज करेक्ट, क्योंकि डायमेंशन दोनों साइड का समान आ रहा है। तो एक इक्वेशन कोई भी होगा अगर वो सही इक्वेशन है तो उसके दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल आते हैं। तो ये आपका ये एक क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन इसमें से कंप्लीट हुआ। तो इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे,
और किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन से करेक्ट शेप करना तो प्रोसेस अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम दूसरा एप्लीकेशन डायमेंशन कर लेंगे, उसमें क्या करना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है एक यूनिट में दिया है, अगर इसको दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करें तो उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो इसको हम इस क्वेश्चन से देखेंगे। द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ट्रांसफर इट्स यूनिट इन केएम पर आर स्क्वायर। अगर मतलब इसको हम केएम पर आर स्क्वायर में डिवाइड कर लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, तो लेकिन यहाँ पर हमको डायमेंशन का यूज करके इसको करना है, तो सिंस इसको सॉल्यूशन करने के लिए गिवन दैट क्या गिवन है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है हमको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से केएम पर आर स्क्वायर में ट्रांसफर करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब ये हमारा ये यूनिट वन है, यूनिट वन, और ये यूनिट टू, मतलब इस यूनिट से इस यूनिट में इसकी वैल्यू को ट्रांसफर करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी तो फर्स्ट में, मतलब इस यूनिट ये गिवन है और ये अनन्यू इसमें जाना है, तो हम पहले जी के डायमेंशन को देखेंगे। डायमेंशन ऑफ जी क्या होगा, ऑफ जी हो जाता है एल क्यूब और माइनस, तो यहाँ से एक फॉर्मूला अगर ऐसा है तो जिस दूसरे यूनिट में हम इसको बदलेंगे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एल टू जो होती है वह एल वन यहाँ लिखा जाएगा, इसमें एल और टी है तो एल वन अपॉन एल टू लिखेंगे, और जो इसका पावर यहाँ आएंगे फिर टी वन अपॉन टी टू लिखेंगे, और इसका पावर माइनस टू यहाँ रहेंगे। अब यहाँ पे इसके अनुसार न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा एन वन कितना दिया है, एन वन 10 दिया, इसमें दो ही चीज हमारा L1 L2 आया है। L1 हमारा जो इस फर्स्ट यूनिट में लेंथ का डायमेंशन, लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, L1 को हम क्या लिखेंगे मीटर, और यहाँ T1 किसमें है सेकंड, तीनों दोनों सेकंड में है। ऐसे ही यहाँ L2 मतलब इसको हम इसमें ले जाएंगे दूसरे यूनिट में, तो लेंथ के लिए किलोमीटर आ गए km, और टाइम इसका फिर से आर में आ जाएगा, इस आर को अगर हम सेकेंड में बदलें, चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन वन है, फ्रॉम इक्वेशन वन हमारे पास इक्वेशन वन सीधा मिलेगा एन टू इज इक्वल टू 10, यहाँ लिखेंगे मीटर, यहाँ लिखेंगे केएम अन किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे सेकंड, और यहाँ लिखेंगे आर, और इसके माइनस टू, यहाँ से जाएगा एन टू इज इक्वल टू 10, ये मीटर और ये 1000 मीटर, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मीटर वाला हमारा सेकंड, और एक आर को अगर हम सेकंड में बदलें जितना सेकंड, देखिए यहाँ से मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, ये माइनस टू पावर है तो इसका मतलब 36 अपॉन 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एन टू की वैल्यू हो जाएगी 10 1 अपॉन 1000 इंटू 36
और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जीरो यहाँ से चला जाएगा, तो जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, और 36 का 36 से मल्टीप्लाई होगा तो 1296 होगा, दो जीरो स्पेस में बढ़ जाएगा। इतना के एम पर आर स्क्वायर जी की वैल्यू इस यूनिट से दूसरे यूनिट मिला जाएगा, जिसकी वैल्यू इतना के एम पर आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से दूसरा एप्लीकेशन आपने देखा कि इसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट को दूसरे यूनिट पर ट्रांसफर करने के लिए ये रूल अप्लाई करते हैं। तो डायमेंशन के इस एप्लीकेशन को भी आप रिमेंबर करेंगे।